दैनिक आहार कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। ख्रिस्त में मेरे माता पिताओं, भाई और बहनों, आज के सुसमाचार के पाठ बहुत छोटी है लेकिन बहुत शक्तिशाली है। इन तीन वाक्यांश में प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने शिष्यों को यह संदेश देते हुए शिक्षा देते हैं कि उनके इस संसार में आने का मकसद धर्म नियमों एवं नबियों के भविष्यवाणी को खारिज या त्रुटि निकालने के लिए नहीं बल्कि उनको पूर्ण करने के लिए आए हैं। इस प्रकार से प्रभु यीशु ख्रिस्त धर्म नियमों अर्थात 10 नियमों का पालन करने के लिए हमें जोर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्त हमेशा फरीसियों के नजर में एक नियमों का उल्लंघन करने वाले रहे हैं। यीशु के ऊपर यहूदियों के नियम भंग करने का दोषारोपण लगाया गया और त्रुटियां भी निकाली गईं। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्त यहूदियों के बहुत से नियमों एवं रीति रिवाजों का अपने जीवन में पालन किया, लेकिन उनका नियम प्रेम, शांति, क्षमा, भाईचारा का नियम था। हम हमेशा देखते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्त के क्रियाकलाप में लोगों के लिए हमेशा दया और प्यार उमड़ता रहा था। हाँ विश्वासियों, प्रभु यीशु कहते हैं कि सभी 10 आज्ञाएं महत्वपूर्ण एवं आवश्यक हैं। इनका हमें पालन करना है। प्रभु यीशु ख्रिस्त बताते हैं मत्ती के अध्याय 22 पद संख्याएं 37-39 तक कि पहला आज्ञा संपूर्ण मन से, आत्मा से और संपूर्ण बुद्धि से अपने परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए, यह सबसे बड़ा आज्ञा है। फिर ऐसा ही दूसरा आदेश यह है कि अपने पड़ोसी से वैसे ही प्रेम कर जैसे तुम अपने आप से करते हो। संपूर्ण व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं के ग्रंथ इन्हीं दो आदेशों पर आधारित है। इस प्रकार से प्रभु यह बताते हैं कि ये दो आज्ञाएं बाकी आज्ञाओं की नींव हैं, ईश्वर से प्रेम करना और अपने पड़ोसियों को अपने समान प्यार करना। बहुत बार हम लोग भी विधि सम्मत या कठोर नियम पालन करने वाले बनते हैं। कई बार हम लोग भी दूसरों की बुराइयां को ही देखते हैं, दूसरों की गलतियों को निकालते हैं, जैसे कि फरीसियों यीशु के मिशन कार्य के समय उनकी बुराई ही करते थे। लेकिन संत याकूब अपने पत्र में अध्याय 4 पद संख्या 12 में हमें बताते हैं कि हम न्याय करने वाले कौन होते हैं। न्याय करने वाला एक ही है, वह है ईश्वर। आज हम अपने आप के बारे में सोचें, अपने दृष्टिकोण को परखें कि हमारा व्यवहार उन लोगों के प्रति कैसा है जिन्होंने हमें चोट पहुंचाया है, जिनके साथ हमारा संबंध अच्छा नहीं है, जिन्हें हम पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों में त्रुटि पाना, दोषारोपण करना बहुत आसान होता है। हम सब मेरे मनुष्य हैं और हम पूर्ण रूप से ईश्वर के इन आज्ञाओं का पालन हमेशा नहीं कर पाएंगे। फिर भी ईश्वर से हम प्रार्थना करें कि ईश्वर हमारी कोशिश को आशीषित करें, बल प्रदान करें, ताकि हम प्रतिदिन ईश्वर से प्रेम करें और अपने पड़ोसियों को बिना भेदभाव या न्याय के प्रेम करेंगे, क्योंकि ईश्वर हम सबों से यही आशा करते हैं। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर।